कि रोड की हालत खस्ता है, खा वो द्रमदन की हो या पीएनजीएसवाई की टांडा तक की रोड हो, इस पर काम नहीं हुआ। फिर जाकर इन्होंने कहीं ये जो रिपेयरमेंट करने का काम किया था, आज मैं उसी को देखने आया था कि किस तर्ज पे किया है। जो प्लेटडाप इसने पिछले साल किया था, उन सवालों के कटघरे में मैं भी खड़ा इनको कौंसिल के अंदर करता हूँ। सड़कें इन्होंने काटी है, अर्थ कटिंग हुई है, लेकिन अगर कमी रही है तो डिपार्टमेंट के लोगों और ठेकेदार ने मिलकर इसमें घोटाला किया है और पैसे का गलत इस्तेमाल किया है, जो नहीं होना चाहिए था। कुछ ये सवाल जब खड़े होंगे, एसीडी को जवाब देना पड़ेगा। और एसीडी साहब आप सुन लीजिए, डीसी डोडा भी सुन ले, मैं पंचायत टाटा के अंदर आया हूँ, टाटा के लोगों से मैंने पूछा है, इजलास में 10 लोगों के सिग्नेचर है, जिसकी कार्रवाई रजिस्टर की कॉपी आपने दी है। बताना चाह रहा हूं इजलास में गलत हुआ है, मैंने कहा दोबारा से इजलास बुलाया जाए, लोगों की मर्जी से लोगों के आजादी की बेहतरी के लिए काम होने चाहिए। और आप अगर डिपार्टमेंट के लोगों को बचाने के लिए महाराज की आवाज को दबाओगे तो मैं तुम्हारी कुर्सी को झड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप NH1 न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मैं टांटा में मौजूद हूँ और मेरे साथ DDC कहरा महाराज मलिक हैं। इनसे बहुत सारे सवाल हैं लेकिन आज मुख्तसर बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज, आप टांटा में आए हैं, किस तरह के हालात देखे आपने यहाँ? फिर से पुराने दौर की तरह की मुश्किलात की जिंदगी बसर कर रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए, अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात होगी, कहरा टांटा मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, खस्ता हालत है, सड़क नहीं है इसका। अगर आप देखेंगे, जब पहली कौंसिल हमारी बैठी थी इस साल की, तो उस कौंसिल के अंदर भी मैंने बात रखी थी कि टांटा की रोड की हालत खस्ता है, खा वो द्रमदन की हो या पीएनजीएसवाई की टांटा तक की रोड हो, इस पर काम नहीं हुआ। फिर जाकर इन्होंने कहीं ये जो रिपेयरमेंट करने का काम किया था, आज मैं उसी को देखने आया था कि किस तर्ज पे किया है। जो प्लेटडाप इसने पिछले साल किया था, उन सवालों के कटघरे में मैं भी खड़ा इनको कौंसिल के अंदर करता हूँ। लेकिन सवाल ये बनता है कि महाराज चीखता इसलिए है कि उन बातों पे सुनवाई नहीं होती है। अगर मेरे हाथ में होता कि इस काम को, मेरा आपसे एक सवाल छोटा सा सवाल यह है कि जब भी टांटा की बारी आती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिला डोडा में सिर्फ टांटा की पंचायत के साथ नाइंसाफी होती है, क्या वजह है? ये हकीकत है, मैं खुद भी ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खस्ता हालत अगर किसी भी पंचायत की है तो वो टांटा की है। इससे बदतर पंचायत मेरी 18 पंचायतें हैं या 14-15 पंचायतें हैं, 15 में से सबसे खस्ता हालत टांटा की है और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है और हिली एरिया, खूबसूरत भी है, जमीन की कमी नहीं है, सड़कें इन्होंने काटी है, अर्थ कटिंग हुई है, लेकिन अगर कमी रही है तो डिपार्टमेंट के लोगों और ठेकेदार ने मिलकर इसमें घोटाला किया है और पैसे का गलत इस्तेमाल किया है, जो नहीं होना चाहिए था। कुछ लोगों नाहली की वजह से कई साल पहले ये रोड बन जाना चाहिए था, ब्लैकटॉप हो जाना चाहिए था, प्रोटेक्शन वाल लगाए जा चुके होने चाहिए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो फेलियर है इनका, जब लोग मुझे कहते हैं कि आप इन कुर्सी पर बैठे ऑफिसरों के साथ बदतमीजी क्यों करते हैं, उसका जवाब यही है कि वो कुर्सियों पर बैठकर जब सड़कों की हालत ये होती है और वो कुर्सी पर बैठकर जब बिलों के बिल सैंक्शन पास कर देते हैं तो मेरे जैसे आदमी को तकलीफ होती है। आप इसका हुलिया जब देखेंगे, जब ये डीसी को आप दिखाएंगे, एक बारी यहाँ डीसी डोडा आए, वो यहाँ का दौरा करे और पता करे कि कितना करोड़ों रुपया पीएमजीएसवाई ने, ठेकेदार ने निकाल कर और डिपार्टमेंट ने निकाल कर लिया है, फिर जाके वो डीसी जिस दिन मैं बात करूंगा तो उसे एहसास होगा कि महाराज सच बोल रहा है, क्योंकि इनके कानों तक पहुंचाने के लिए इनको आंखों से दिखाना भी जरूरी है। जब तक नहीं ये खुद आएंगे यहाँ पर मायना करेंगे तब तक इन्हें एहसास नहीं होगा, यहाँ पर किसी दिन रात किसी के घर गुजारेंगे तब तक इन्हें एहसास नहीं होगा। तो इनको एहसास कराने के लिए मुझे चीखना पड़ता है, मुझे चिल्लाना पड़ता है, लेकिन अब जरूरत नहीं है। एक्सएन पीएमजीएसवाई के चीफ से मैंने बात की है, एक्सएन से की है, जेई को भी मैंने बताया है, और जो जिस तरीके से इन्होंने इसकी ये जो अभी रिपेयरमेंट की है तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं आज वही देखने आया था। और ये चीजें मैं चाहता हूं कि चीफ देखे, ये चीजें मैं चाहता हूं एक्सएन देखे, और जिन लोगों को मुझसे तकलीफ होती है कि ये चेयर पे सवाल करता है, उस चेयर को भी डोडा से उठकर यहां सड़क तक पहुंचना चाहिए, इस इलाके तक पहुंचना चाहिए। और ये गलत बात नहीं है, अगर लोग यहां के सवाल करते हैं तो मुझे फख्र है, सवाल उठने चाहिए जायज है, लेकिन जिस वक्त निर्माण होता है उस वक्त भी लोगों को खड़ा रहना चाहिए। सवाल ये भी पैदा होता है, यहाँ के अक्सर लोग ये कहते हैं कि महाराज भी मनरेगा स्कीमों को जमीनी सतह पर वहां गुजार करने में नाकाम रहे। देखिए, इसमें ऐसा है कि आपको पता है पंचायती राज है,
हर इंसान की आप पंचायतें खत्म हो गई। नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए, पंचायती राज है क्यों नहीं है, है। अब ये जो एक साल से जो है पंचायत पावर सीज हो गई, लेकिन आपको पता होगा 2024 और 25 का प्लान भी पंचायतों ने ऑलरेडी प्लान करके रखा है 2022 और 23 में। ये 2-3 साल का प्लान पंचायतें ऑलरेडी पहले ही सबमिट कर देती है। मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, मैं कौंसिल का एक हिस्सा हूँ, इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इजलास होते हैं, इजलास में इख्तियार आवाम को है, महराज को नहीं है। इजलास आपके टांटा में इस साल का भी हुआ है, जो कैपेक्स का पैसा है, बहुत सारे लोग सवाल करते थे, मैंने इसमें 1/3 मेजोरिटी का होना इजलास में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने यही सवाल एसीडी डोडा से किया था, जिसमें मेरी लड़ाई हुई है पिछले दिनों, जिसमें हंगामा हुआ था डीसी ऑफिस के अंदर, हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसी एसीडी को आज बताना चाहता हूं कि जिस तर्ज पे जिन लोगों के साथ आप खड़ा होकर मेरे आवाम को लूटना चाहते हो, जिस सबॉर्डिनेट का सहारा लेकर जिसको आप बचाने के लिए आप मुझे बेवकूफ बनाते हो, और मुझे अगर चीखना पड़ता है तो इन लोगों के लिए 2 जुलाई को बताया जा रहा है कि टांटा के अंदर इजलास हुआ, जुलाई को क्या हुआ है टांटा के अंदर, वो तो जमीनी सतह पे नहीं हुआ, 100% लोग, आप सुन लीजिए, यही बात मैंने एसीडी डोडा को बताई थी। जब हम नहीं, सवाल ये सुन लीजिए, जब यहाँ के लोग एसीडी को कि वो क्यों फायर करते आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं कौंसल का हिस्सा हूं, कौंसल के अंदर महराज बात करता है, यही बात मैंने परसों एसीडी से की है, यही बात मैं एसीडी आप पहुंचा दीजिए, उसको पर्सनल व्हाट्सएप कर लीजिए और बोलो, इसमें हाईलाइट कर लो कि महराज ये पूछ रहा है आपको, अगर एसीडी ने मुझे परसों कहा कि हमने इजलास बुलाया, 1/3 की मेजोरिटी इजलास के अंदर होनी चाहिए, 10 लोगों के नाम और एक ही पेन से सिग्नेचर, और 2 जुलाई को अगर इजलास नहीं हुआ है तो सवाल पूछेगा महराज, और अगर यहाँ के लोग बाशोर हो गए, अपने इलाके की तरक्की के लिए खड़े हो गए, सवाल तब नहीं करने हैं जब लूट लिया जाए, सवाल तब करने चाहिए जब शुरुआत हो, अभी शुरुआत हुई है, आज मौका है, आज अगर आवाम खड़ी हो जाएगी, 2 जुलाई का इजलास निकालेंगे, जिन लोगों के सिग्नेचर है उन्हें खड़ा करेंगे और पूछेंगे उनसे, तुमने आवाम का पैसा आवाम की मर्जी से लगाया या अपने घरों के लिए लिया है, तो ये सवाल जब खड़े होंगे एसीडी को जवाब देना पड़ेगा। और एसीडी साहब आप सुन लीजिए, डीसी डोडा सुन ले, मैं पंचायत टांटा के अंदर आया हूं, टांटा के लोगों से मैंने पूछा है, इजलास में 10 लोगों के सिग्नेचर है, जिसकी कार्रवाई रजिस्टर की कॉपी आपने दी है, बताना चाह रहा हूं इजलास में गलत हुआ है, मैंने कहा दोबारा से इजलास बुलाया जाए, लोगों की मर्जी से, लोगों के अजाले की बेहतरी के लिए काम होने चाहिए, और आप अगर डिपार्टमेंट के लोगों को बचाने के लिए महराज की आवाज को दबाओगे तो मैं तुम्हारी कुर्सी को झड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, अगर ये लोग जाग गए तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। और वही बात मैं बता रहा हूं, 2 जुलाई को अगर इजलास नहीं हुआ है, बीडीओ कहरा को, वो इसलिए बीडीओ नहीं है कि उसका घर चले, वो एसीडी इसलिए नहीं है कि उसके परिवार की बेहतरी हो, वो इसलिए है कि उनके ब्लॉक के अंदर बेहतरी हो, और आज अगर वो घर में बैठकर यहाँ लोगों के अंदर हंगामा है, लोगों के यहाँ काम नहीं हो रहे, तो वो घर में अयाशी करेंगे, अयाशी का अड्डा बनने नहीं दूंगा, ये कुर्सी उनके पाप की नहीं है, ये जागीर आवाम की है, आवाम का पैसा है, आवाम की मर्जी से लगना चाहिए, कहरा में 2-4 दलाल बैठकर वो प्लान सेंक्शन नहीं करेंगे।